नमस्कार दोस्तों, बाहुबली की अगली फिल्म का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आगे कहानी क्या होगी ये जानने की उत्सुकता भी हम सबको है। कहानी के अगले भाग में कुछ ऐसा होगा जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। अगले भाग में आप महेंद्र बाहुबली के जुड़वा भाई को देखोगे। ओह, आप सोच रहे होंगे कि महेंद्र बाहुबली का जुड़वा भाई कहाँ से आ गया, पिछली फिल्मों में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। तो याद कीजिए वो रात जिस रात देवसेना ने महेंद्र बाहुबली को जन्म दिया था। उस रात वहाँ देवसेना के पास अंदर कुछ औरतें और कुछ मर्द बाहर खड़े थे। बाहुबली को भी कटप्पा को बचाने के एक षड्यंत्र के दौरान जाना पड़ा था। मतलब उस रात बाहुबली भी देवसेना के पास नहीं थे। असल में देवसेना ने उस रात एक नहीं बल्कि दो जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था, जिनको जन्म देते ही देवसेना बेहोश हो गई थी। उस रात कालके के दोनों भाइयों में से एक भाई शालके, जो अपने भाई की मौत का बदला बाहुबली से लेना चाहता था और कई सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा था बाहुबली को नुकसान पहुँचाने, वो वहाँ आ गया। उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार दिया और देवसेना को बेहोश देखकर उसके एक बेटे को उठाकर ले गया। जब देवसेना को होश आया तो उसने वहाँ अपने एक ही बेटे को, यानी कि महेंद्र बाहुबली को पाया। मतलब देवसेना को भी नहीं पता था कि उसने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। वहाँ अमरेंद्र बाहुबली, जिसने अपने पैदा हुए बच्चे का मुँह भी नहीं देखा था, कटप्पा के हाथों मारा गया। अब कालके के दूसरे भाई शालके के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि देवसेना ने एक नहीं बल्कि दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। दोनों में से एक महेंद्र बाहुबली है और जो महिष्मति साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, जबकि दूसरा शालके के पास है। शालके ने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया और पूरी ज़िंदगी उसको ये बताया कि महेंद्र बाहुबली और महिष्मति साम्राज्य के लोग उसके दुश्मन हैं। शालके ने महेंद्र बाहुबली के जुड़वा भाई का नाम महाबली रखा। जैसे जैसे महाबली बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके दिल में महिष्मति साम्राज्य के लिए नफरत और बढ़ती गई। फिर एक दिन भलाल देव के पिता बिजाल देव को इस बात का पता चल गया कि बाहुबली का कोई जुड़वा भाई भी है, और उसको ये भी पता चल गया कि कालके के दूसरे भाई शालके ने उसको जन्म लेते ही चुरा लिया था। अब बिजाल देव, जो कि बाहुबली का पहले से ही दुश्मन है, महाबली के साथ मिलकर उसने अपने पुत्र भलाल देव की मौत का बदला लेना चाहता है। अब महेंद्र बाहुबली का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, उसका ही सगा जुड़वा भाई महाबली है। दोनों की रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है और दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। दोनों एक ही समान बुद्धिमान, नीडर और बलशाली हैं। अब महिष्मति साम्राज्य का महाराज बनने के लिए दोनों जुड़वा भाइयों में ऐसा युद्ध होगा जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। देवसेना को भी जब ये पता चलता है कि उसने एक नहीं बल्कि दो पुत्रों को जन्म दिया था, तो वो भी ये निर्णय नहीं ले पाती कि महाबली को पुत्र के रूप में स्वीकार करे या महिष्मति साम्राज्य के लिए बाहुबली को महाबली को मारने के लिए आदेश दे। दूसरी तरफ बाहुबली के लिए भी अपने ही सगे जुड़वा भाई को युद्ध में हराकर मारना आसान नहीं था। लेकिन ये जानने के बाद भी कि बाहुबली उसका भाई और देवसेना उसकी माँ है, महाबली के दिल में उनके लिए नफरत कम नहीं होती, बल्कि अब वो सिर्फ बदला नहीं बल्कि महिष्मति साम्राज्य को भी पाना चाहता है। कालके साम्राज्य में जीवन बिताने के बाद महाबली क्रूर, दानव और नीच सोच वाला व्यक्ति बन चुका है। शालके ने महिष्मति के खिलाफ बहुत से और साम्राज्य को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। अब जब युद्ध का समय आता है तो कटप्पा अपनी सेना बढ़ाने के लिए अपने मित्र शेख असलम खान की याद करता है, क्योंकि एक बार असलम खान ने कटप्पा को वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर वो उसको याद रखना और उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। अब जो युद्ध होगा उसका अंजाम कोई नहीं जानता। बस इतना कह सकते हैं कि ये युद्ध पिछले महिष्मति के होने वाले सभी युद्धों में से सबसे बड़ा और घमासान युद्ध होगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।